नमस्कार दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे आज बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश के पेपर में मतलब कौन कौन सी गलतियाँ विद्यार्थी कर देते हैं, उससे कैसे बचें। और फिर मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि इंग्लिश का पेपर कैसे अटेंड करना चाहिए। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के पेपर में कैसे सही उत्तर लिखना चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश के पेपर में हमें उत्तर कैसे लिखना चाहिए। देखो, कोई भी क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है, तो उस क्वेश्चन के आंसर में जो एग्जामिनर होता है वो दो चीज़ें चेक करता है। एक तो वो कंटेंट चेक करता है और एक एक्सप्रेशन चेक करता है। तो कंटेंट में वो क्या देखता है और एक्सप्रेशन में क्या देखता है। तो कोई भी आप पर्सन पढ़ें और उसका जब उत्तर लिख रहे हैं तो आप ना पहले कंटेंट सोच ले, यानी आप आइडिया लगा लें और थीम, आइडिया और थीम लगा लें कि आपको उत्तर लिखना क्या है, और एकदम सटीक उत्तर लिखें। और वर्ड लिमिट दी रहती है कि 30 से 40 वर्डों में, तो उतने में ही लिखें, उससे आगे ना जाए, ठीक है। उससे फिर ना मार्क्स काटने की संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा जो एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो एक्यूरेसी या फिर इसको बोलते हैं सेंटेंस या स्पेलिंग मिस्टेक देखते हैं इसके अंदर टीचर्स, या फिर इसमें अंदर देखते हैं वो सेंटेंस राइटिंग देखते हैं कि आपने वो सेंटेंस कैसे लिखे हैं, किस टेंस में लिखे हैं। फिर स्पेलिंग चेक करते हैं कि लिखते समय आप ना मतलब स्पेलिंग गलत तो नहीं करते। एक्यूरेसी का मतलब आप ना कम समय में लिखे हैं और सटीक लिखे और स्पेलिंग कोई गलत ना हो या ना टेंस में कोई गड़बड़ी हो। तो आप कोई भी पर्सन है उसका उत्तर की प्रैक्टिस करें। आप कोई पर्सन देखें, उसका ढंग से उत्तर याद करके आप उसमें आइडिया लगाएं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, क्या थीम होनी चाहिए, आंसर मेरा वो पूरा सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। फिर उसके बाद स्पेलिंग चेक, सेंटेंस राइटिंग, ऐसे करके आप ना प्रैक्टिस करें तो आपका बेहतर तैयारी होगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप ना जो भी प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो उत्तर को ध्यान से लिखें, उसमें समय लें और कंटेंट को और आइडिया को और आंसर को जांच करने के बाद आप लिखना शुरू करें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि अब इंग्लिश का पेपर अटेंड कैसे करें। तो देखो, ये मेरे पास एक नमूना है इंग्लिश का, क्लास 10th का है ये। तो इसमें हमारे पास होते हैं यहाँ पे तीन सेक्शन, ए बी सी। ये 2020 का भी बोर्ड है, इसी का ये एक सैंपल पेपर है। तो हमारे पास ना तीन सेक्शन होते हैं ए बी सी। तो आप ना इंग्लिश का जो पेपर है वो आप सेक्शन ए से ही शुरू करें। आप ना ये नहीं कि जो चीज़ आपको आती है पहले आप वही करने लग जाएं, इससे जो एग्जामिनर होता है ना उसे चेक करने में बहुत परेशानी होती है। अगर आप सीरियल बाय सीरियल और लाइन टू लाइन करते हैं तो इससे आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है और टीचर जो है अच्छा इम्प्रेशन ढूंढ के आपको फुल मार्क्स देने की पूरी आशा करता है। तो आप ना पहले सेक्शन ए से ही शुरू करें। ये पहला सेक्शन पैसेज होता है, इसको ना बिल्कुल धीरे से पढ़कर, एक घंटे का पूरा समय होता है, एक घंटा पूरा समय लेकर हमें इसमें समय देकर इसको करना चाहिए। और इसके उत्तर सब इसी में होते हैं, बस थोड़े प्रयास में ही आपको मिल जाते हैं। तो पहला आप पैसेज को पूरी तरीके से करें। देखो, अब अगला क्वेश्चन होता है, जैसे कि इसमें लेटर लिखा है कि राइट ए लेटर टू एडिटर। एडिटर पे लेटर एक आना होता है ज्यादातर 10th क्लास में। तो बच्चे जो होते हैं वो उसको आपको ऐसे लिखना है। तो जैसे स्कूल का नाम, एड्रेस, मतलब यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दिया बच्चे ने, यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं आता है, यहाँ लेटर लिखने वाले का एड्रेस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बच्चे की ना थोड़ी गलती हो गया है। फिर यहाँ पे देखो डेट डाला है, डेट ना यहाँ पे भी गलती हो गया है। देखो यहाँ पे TH लिख दिया, ऐसे नहीं लिखते हैं, बस 23 लिखते हैं। फिर यहाँ एडिटर अखबार का नाम, फिर यहाँ एक एड्रेस लिखते हैं, देखो ये भी नहीं लिखा है। फिर यहाँ लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सर, और फिर यहाँ से लेटर शुरू करते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ना अपना लेटर ऐसे खत्म करें। देखो, फिर अगला आर्टिकल होती है, आर्टिकल को यहाँ से लिखना शुरू करें। आर्टिकल को लिखते समय देखो यहीं पे गलती है कि यहाँ पे इसने पास्ट टेंस से शुरू किया है। आर्टिकल को ज्यादातर हम ना प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। आगे भी इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, सेंटेंस की गलतियां हैं। देखो यहाँ लिखते समय यहाँ गलतियां हैं, इससे ना टीचर्स मार्क्स काटते हैं। और एक बड़ी चीज, जो बगल में यहाँ पे दो लाइनें ऐसे लिखते हैं स्पेस छोड़ने के लिए, वो भी यहाँ पे नहीं छोड़ा है। आपको पेपर में ऐसे लाइनें छोड़नी होती हैं, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे लाइनें छोड़ देते हैं, यहाँ पे लाइनें छोड़ देते हैं, और इसके बीच में ही अपना जो भी कंटेंट है वो लिखते हैं। तो ये भी इसने नहीं किया है।
उसके बाद ना ये आपका स्टोरी आना है, ठीक है। तो ये आपका दो ऑप्शन होते हैं, दोनों में से जो आपको अच्छी सी स्टोरी समझ में आती हो वो आप लिखे। स्टोरी लिखते समय अपना पास्ट टेंस का इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ग्रामर सेक्शन आता है, खाली स्थान भरना, ये कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे एडिटिंग का आता है, फिर ये आपका जंबल वर्ड आता है, जिसको आप ना बिल्कुल समय लेके कर सकते हैं। फिर है सेक्शन सी। देखो अधिकतर क्वेश्चन में क्या होते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारे ना ऑप्शन होते हैं कि हम ना ये करें कि ये करें। तो देखो यहाँ पे एक पोएम है और यहाँ पर एक बुक का भी है, तो इन दोनों में से हमें ना कुछ चॉइस करनी होती है कि ये करें कि ये करें। पहले आप देख लें कि कौन सा करना आसान है, कौन से क्वेश्चन आसान है। अगर आपको दो इसमें से आते हैं तो इसमें से आते हैं, या दो तीन इसमें से आते हैं तो आप वही देखें जिसका आंसर आपको सही लगे और आपके मार्क्स आ सके। फिर आपके क्वेश्चन आंसर आने हैं 30 से 40 वर्ड वाले, इसमें आपको ना 6 ऑप्शन में से सिर्फ 5 करने होते हैं और दो दो मार्क्स के हैं, और 30 से 40 वर्ड की सीमा में ही करें। कुछ बच्चे बहुत बड़ा बड़ा उत्तर लिख देते हैं, उससे उनके ना मार्क्स कटने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद ये 10वां क्वेश्चन होता है, इसमें करेक्टर स्केच का आपके बुक से कोई आना होता है, तो आपने सभी चैप्टर के जो करेक्टर स्केच होते हैं उसको पढ़ लें और इसकी तैयारी करें, और इसको भी लिखने की प्रैक्टिस करें। इसको भी 1.5 से 2 पेज तक लिखा करें आंसर, ठीक है। 8 नंबर का है, इसको थोड़ा ज्यादा लिखना होता है, तो इसकी भी वर्ड लिमिट 100 से 120 वर्ड तक की होनी चाहिए, ठीक है। आपका आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। इसके अलावा जो भी हम पर्सन एक कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बीच में ना एक लाइनें छोड़नी चाहिए या दो दो लाइनें छोड़ना, ऐसे गलत है, अच्छा लगता, तो हमें एक एक लाइनें छोड़नी चाहिए, पूरी कोशिश करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ना हर पेज पर जो आप नया सीट लेते हैं तो वहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर, ये जो टीचर कहते हैं उसे जरूर लिखें, नहीं तो जब टीचर चेक करेंगे तो फिर वो इसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। इसीलिए आपको इसका बहुत ध्यान रखना है कि जब आप नया सीट लेते हैं तो वहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर भी लिखें, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके परीक्षा में कुछ तरीके हैं जिससे हम ना इंग्लिश के सेंटेंस लिख सकते हैं एग्जाम में। तो पहला होता है कि अपना कोई भी सेंटेंस लिखते हैं वो सब्जेक्ट से शुरू करें, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन से ही शुरू होते हैं। फिर हम कुछ एक वर्ब लिखते हैं जो भी टेंस के अकॉर्डिंग और एक्शन के अकॉर्डिंग होता है। फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, नाउन प्रोनाउन या कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं जिसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है। जैसे उसने उसे पानी पिला दिया, तो ही ड्रैंक वाटर टू हिम। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस जो है अपना सोच के लिखना होता है। दूसरा तरीका होता है कि वर्ब से शुरू कर सकते हैं सेंटेंस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख दें, जैसे इज इट फास्ट, गो टू द स्कूल ऑन टाइम। तीसरा होता है कि हम ना पर्सन में ही उत्तर जब लिख रहे हैं तो बीच बीच में कुछ पर्सन भी पूछने पड़ते हैं, तो पर्सन लिखने के लिए दो तरीके होते हैं, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में 24 होते हैं, इज एम आर, वाज वर, हैज हैव बीन, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। फिर ऐसे ही हम WH वर्ड जो होते हैं वो लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट जो भी है वो लिखते हैं। तो यहाँ से व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई, हु, व्हम, हुज, ऐसे सेंटेंस हम लिखते हुए अपने उत्तरों में पर्सन पूछ सकते हैं। फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ING से शुरू कर सकते हैं, जैसे रनिंग में फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो रनिंग टूवर्ड्स द गार्डन, ही फाउंड अ पर्स, वॉकिंग इन द गार्डन, ही मीट्स एन अंकल। तो अपना वर्ब के साथ ING से भी किसी सेंटेंस की शुरुआत लिख करके अपना उत्तर लिख सकते हैं। ऐसी होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जैसे इटन द पिज्जा, ही हैड डन हिज होमवर्क, फ्राइटन फ्रॉम द डॉग, ही रन वेरी फास्ट। तो ऐसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्राइटन इटन से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। फिर अगला होता है आपका जो छठा है, वो है LY से शुरू करना। LY ज्यादातर एडवर्ब होते हैं और बहुत थोड़े थोड़े एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे केयरफुली, काइंडली, तो LY पे खत्म हो रहे ना, तो केयरफुली ही पिक अप ए बेबी, काइंडली टेल मी योर नेम। तो ऐसे हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। इसको आप अपने एग्जाम में अपना के, जो बच्चे सेंटेंस लिखने में घबराते हैं ऐसे अपना सेंटेंस लिख के उत्तर कर सकते हैं।